हेलो एंड वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद कुरुचेला पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि है पावर। आपको बता दें कि ये पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट भी पॉलिटिकल साइंस एंड UPSC कैंडिडेट्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट था। हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि पावर है क्या, पावर पॉलिटिक्स है क्या। सो आइए चर्चा शुरू करते हैं एंड समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को सब्सक्राइब करें। रिसेंटली The idea of power has assumed an importance of its own in the realm of political theory. This is so because the meaning of politics has changed from one of being a study of state and government to that of being a study of power. Power is the primary objective of foreign policy. In international relations, power is the capacity of a state to influence or control the behavior of other states for the purpose of promoting its own vital interest. देखिए, नेचुरल साइंस की बात करें तो पावर का मतलब होता है फोर्स या फिर एनर्जी। वहीं अगर हम सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये दो डेफिनेशंस में निकल कर आती है। First is the ability to achieve a desired outcome, sometimes referred to as power too. Then second is a relationship as the exercise of control by one person over another or as power over. देखिए, जो ये power word है ये दो लेटिन रूट से निकल कर आता है, जो कि है potestas and potentia. अगर हम बात करें potestas की, जिसका मतलब होता है कमांड एंड डोमिनेशन, ये जो है ये पावर का नेगेटिव व्यू है बिकॉज ये पावर ओवर का कॉन्सेप्ट है। वहीं अगर हम बात करें पोटेंशिया की, जिसका मतलब होता है कैपेसिटी एंड एबिलिटी, ये जो है ये पावर का पॉजिटिव व्यू है बिकॉज ये पावर टू का कॉन्सेप्ट है। अगर हम पावर के कॉन्सेप्ट को सोशल एंड पॉलिटिकल व्यू से देखते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग पावर इन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। पावर इज सीन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शंस, फैमिली एंड सोसाइटी, इन द इंस्टेंसेज ऑफ अ टीचर स्कोल्डिंग एन एयरिंग स्टूडेंट इन स्कूल टू अ पावरफुल स्टेट making war against its neighbor, or any terrorist organization bombing a target, power is used. So it becomes imperative to see what exactly is common in these examples and how they justify the concept. देखिए, many philosophers हुए हैं जिन्होंने power के context में कुछ ना कुछ लिखा है। आइए बात करते हैं उन्हीं philosophers की। आइए सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट ढाल की, जो कहते हैं कि जो पावर है वो एक डोमिनियंस की तरह है, यानी कि वो मानते हैं पावर एज डोमिनियंस। वो एक्सप्लेन करते हैं पावर को इस तरह। मान लीजिए अगर ए के पास पावर है बी पर, कि वो बी की विल्स के अगेंस्ट जाकर कुछ भी करा सकता है, यानी कि जो ए है वो बी से कुछ भी काम करा सकता है अगर बी वो काम करना नहीं चाहे फिर भी, तो ये एक डोमिनियंस की तरह है। सो रॉबर्ट ढाल पावर एज डोमिनियंस व्यू से देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टालकोट पार्सन की, ये पावर को मनी की तरह देखते हैं। ये कहते हैं कि पावर उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मनी इकोनॉमी में। ये मानते हैं कि जो पावर का अधिकार है वो सिक्योर करता है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस को। ये मानते हैं कि मनी की तरह ही पावर भी सर्कुलेट होती है सोसाइटी में।
जो इनका क्रैक्स है वो ये है कि इकोनॉमी में जिस तरह मनी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसी तरह पॉलिटिक्स में पावर का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आइए अगर हम मार्क्सिस्ट व्यू देखते हैं पावर के कॉन्टेक्स्ट का, तो कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो पावर है वो क्लास डोमिनेशन की तरह है। कार्ल मार्क्स पावर को एक्सप्लोइटेशन की तरह मानते हैं। ये मानते हैं कि जो क्लास है वो सोर्स ऑफ पावर की तरह है। वहीं अगर हम फेमिनिस्ट व्यू की बात करें, तो जो फेमिनिस्ट व्यू है पावर का वो ये है कि ये बात करते हैं कि जो पावर है वो सिर्फ डोमिनेट करती है वीमेन के ऊपर मैन के थ्रू। ये मानते हैं कि जो मैन है वो ड्रॉ करते हैं पावर को सिस्टम ऑफ पैट्रियार्की से। ये मानते हैं कि पावर जो है सिर्फ मैंस को ही दी गई है। मैन जो है वो पावर से सेक्सुअल वायलेंस, लोअर वैल्यूज़ अटैच टू फेमिनाइन एट्रीब्यूट्स एंड लेबर नॉर्म्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो जो फेमिनिस्ट व्यू का जो क्रैक्स है वो यही है कि जो पावर है वो डोमिनेशन ऑफ वीमेन बाय मैन है। अगर हम बात करें सी बी मैकफर्सन की, तो ये बात करते हैं पावर को टू व्यू से, एक एक्सेक्टिव व्यू एंड सेकंड इज डेवलपमेंटल व्यू, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो हैं ये दो व्यू से देखते हैं पावर के कॉन्सेप्ट को, एक एक्सट्रक्टिव पावर एंड सेकंड इज डेवलपमेंटल पावर। जो एक्सट्रक्टिव पावर है वो पावर ओवर कॉन्सेप्ट है, यानी कि पावर टू गेट अदर डू समथिंग। वहीं डेवलपमेंटल पावर का मतलब होता है क्रिएटिव फ्रीडम, एबिलिटी टू फुलफिल्स वंस ऑन सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स। एंड एट लास्ट अगर हम बात करें हना आर्डेंट की, तो ये पावर को किस तरह देखती हैं, ये कहती हैं कि जो पावर है वो क्रिएटिंग एक्शंस इन ग्रुप है बाय कम्युनिकेटिंग टू रियलाइज पब्लिक रेलम। ये जो हैं ये पावर विद मानती हैं, ना कि पावर टू या फिर पावर ओवर। फाइनली पावर की जो डेफिनेशन निकल कर आती है वो यही है कि पावर कैन बी सेड टू बी एक्सरसाइज्ड व्हेन एवर ए गेट्स बी टू डू समथिंग डैट बी वुड नॉट अदरवाइज हैव डन। हाउएवर ए कैन इन्फ्लुएंस बी इन वेरियस वेज। आइए अब बात कर लेते हैं फेजेस ऑफ पावर की, जिसमें सबसे पहले आता है पावर एज डिसीजन मेकिंग। दिस फेज ऑफ पावर कंसिस्ट ऑफ कॉन्शियस एक्शंस डैट इन सम वे इन्फ्लुएंस द कंटेंट ऑफ डिसीजंस। द क्लासिक अकाउंट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ पावर इज फाउंड इन रॉबर्ट डहल हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी। देन इसके बाद आता है पावर एज एजेंडा सेटिंग, द सेकेंड फेज ऑफ पावर एज सजेस्टेड बाय सम फिलोसफर्स इन 1962 इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट डिसीजंस बीइंग मेड डैट इज इन फैक्ट नॉन डिसीजन मेकिंग। दिस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू सेट और कंट्रोल द पॉलिटिकल एजेंडा देयर बाय प्रिवेंटिंग इश्यूज और प्रोपोजल्स फ्रॉम बीइंग एयर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। एंड देन नेक्स्ट जो है वो है पावर एज थॉट कंट्रोल। The third phase of power is the ability to influence another by shaping what he or she thinks, wants or needs. This is power expressed as ideological introduction or psychological control. कुल मिलाकर पावर के तीन फेज हैं। सबसे पहले है पावर एज डिसीजन मेकिंग, सेकेंड है पावर एज एजेंडा सेटिंग, एंड थर्ड लास्ट जो है वो है पावर एज थॉट कंट्रोल। देखिए इस वीडियो में हमें पावर के साथ साथ अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी के बारे में भी जानना है। आइए अब बात करते हैं कि लेजिटिमेसी होती क्या है। द क्वालिटी ऑफ एन एक्ट और अरेंजमेंट विच इज रिगार्डेड एज लॉफुल बाय दोज अफेक्टेड बाय इट, इन अदर वर्ड्स दे रिगार्ड इट रीजनेबल एंड बेनिफिशियल
फॉर देमसेल्व एज वेल एज फॉर द लार्जर सोसाइटी। देखिए इस कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हमें कोरोना से बचा सके, सो इसलिए गवर्नमेंट ने SMS रूल अप्लाई करा है हर किसी के लिए। SMS का मतलब है S मतलब सैनिटाइजर, M मतलब मास्क एंड S मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। इन तीनों ही चीज़ों का हमें पालन करना है इस कोरोना पीरियड में अगर हमें कोरोना जैसी पैंडेमिक से बचना है। अब देखिए अगर हम लेजिटिमेसी की बात करें, अगर वो मास्क सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर लॉफुल है तो ये हमारे लिए एक लेजिटिमेसी है। देन आइए अगर हम बात करते हैं अथॉरिटी की कि अथॉरिटी है क्या। सो अथॉरिटी जो है वो पावर प्लस लेजिटिमेसी है, यानी कि पावर भी हो और साथ ही लेजिटिमेसी भी हो, जब जाकर बनती है अथॉरिटी। देखिए अथॉरिटी जो है वो एक लेजिटिमेट पावर है, अथॉरिटी जो है वो एक राइट है जो कि इन्फ्लुएंस करता है दूसरों के बिहेवियर को। अथॉरिटी इज देयर फॉर बेस्ड ऑन एन एक्नॉलेज्ड ड्यूटी टू ऑबे रेदर देन ऑन एनी फॉर्म ऑफ कोहर्शन और मैनिपुलेशन। देखिए